रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी डियर स्टूडेंट्स। न्यू वीडियो सीरीज़ के साथ खुश आमदीद। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है वो VB.NET की डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो है उनको हम कवर करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो इस वीडियो के अंदर एक तो हम कोर्स कंटेंट जो है वो कवर करेंगे। कोर्स कंटेंट क्या क्या हम चैप्टर वाइज जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर वन है हमारे पास .NET फ्रेमवर्क का इंट्रो होगा। .NET फ्रेमवर्क क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, तो इसके मतलब डिटेल से आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में भी, इस वीडियो में भी। तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि .NET फ्रेमवर्क होता क्या है। .NET बेसिकली है विजुअल स्टूडियो टूल को कहते हैं .NET। अब फ्रेमवर्क ये होता है कि जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस का कोड जो है वो लिखा जा सके। जैसे कि विजुअल स्टूडियो एक ऐसा टूल है जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बल्कि विजुअल स्टूडियो 2019 जो है ये हम यूज़ करेंगे। फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। कम्युनिटी वर्जन जो है इसका आपने डाउनलोड करना है। और इसके अंदर अगर आप क्रिएट प्रोजेक्ट करें तो ये आप देखेंगे कि इसमें लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस और लॉट्स ऑफ वेरिएशंस जो हैं वो एक लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, इसी चीज़ ने इसको फ्रेमवर्क का नाम दिलवाया है। ठीक है, यानी ये देखें यहाँ पर लैंग्वेजेस जो हैं वो C++ है, C# है, एफ शार्प है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, क्यूरी लैंग्वेज, टाइपस्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, XML। ठीक है, तो हम विजुअल बेसिक यूज़ कर रहे हैं ना। तो अब ऐसा कोई टूल जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस एट अ टाइम रन करवाई जा सके उसको हम फ्रेमवर्क का नाम देते हैं, या मल्टीपल टास्क उससे करवाए जा सके, डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो मुश्तमिल हों या डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर मुश्तमिल हों, लाइक प्लेटफॉर्म्स जो हैं जिन पर ये चल सकते हैं, लिनक्स, मैकOS, TVOS, विंडोज, एक्सबॉक्स, डिफरेंट जगह पे ये कोड तैयार किया जा सकता है और डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, डेस्कटॉप, गेम्स, IoT, लाइब्रेरी, ऑफिस सर्विसेज, वेब, यानी डिफरेंट जो है वो काम किए जा सकते हैं एक ही टूल को इस्तेमाल करते हुए। तो उस टूल को ना कह क्या नाम दे दिया जाता है, फ्रेमवर्क। तो चूँकि विजुअल स्टूडियो .NET उसका नाम रखा गया, इसलिए इसको .NET फ्रेमवर्क ही कह दिया जाता है। ठीक है जी, और इसमें होता यह है कि हर लैंग्वेज के रेलिवेंट जो है वो लाइब्रेरीज इसके पास अवेलेबल है। जोन सी लैंग्वेज के मतलब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसकी लाइब्रेरीज ये इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है जिसके मुताबिक उस कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो इसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, और IL जो है वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, IML। और उसके अलावा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है वो हर लैंग्वेज के रिलेटेड उसकी तमाम लाइब्रेरीज, फर्ज करें कि डॉट, अगर C++ की बात करते हैं तो ये तकरीबन सब लोगों ने पढ़ी होती है। C++ में iostream.h है, conio.h है, C-type है, C-string है, तो ये तमाम लाइब्रेरीज इसकी इसके पास विजुअल स्टूडियो के पास अवेलेबल है। अगर बात करते हैं हम विजुअल बेसिक की तो उसकी लाइब्रेरीज उसके पास अवेलेबल है। तो एक लाइब्रेरीज का इसके पास क्या है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, फ्रेमवर्क के पास होनी भी चाहिए क्योंकि उसने मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना होता है। तो ये तो बात हो गई जी इसके बारे में, .NET फ्रेमवर्क के बारे में। और उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएशन और सेव एंड शेयर के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसमें जो सेकंड चैप्टर होगा उसके अंदर हम फॉर्म्स को और कंट्रोल, यानी कि डिफरेंट जो टूल अवेलेबल है टूल बॉक्स के अंदर, उसको कंट्रोल भी कहते हैं, उनको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, और उनको हम किस तरह से मैनेज करें। फोकस हमारा होगा फॉर्म्स के ऊपर और उसके अंडर रहते हुए हम डिफरेंट चीज़ों को जो है वो कवरअप भी करेंगे। ठीक है, और प्रोग्रामिंग बेसिक्स जो है वो थोड़ी सी कवर करेंगे, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। वो अगर C++ का अगर टॉपिक्स आपने कवरअप किए हुए हैं तो एज इट इज़ है, थोड़ी बहुत वेरिएशन है वो उसमें हम कवर कर जाएंगे। और विजुअल बेसिक को इस्तेमाल करते हुए डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर हम इनपुट और आउटपुट किस तरह से प्रोवाइड करेंगे या रिसीव करेंगे या यूज़र को दिखाएंगे, उसके कितने मेथड्स हैं वो हम डिटेल से देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, जिसमें अगर C++ के आपने की हुई है तो वो उसी तरतीब के अंदर ही इसको हम कवर अप करेंगे। लूपिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, एरेज जो कि एक अहम टॉपिक है C++ के अंदर भी और इस विजुअल बेसिक के अंदर भी, तो इसको हम कवर अप करेंगे। एज इट इज़ ही है लेकिन थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है सिंटैक्स का डिफरेंट है इसके अंदर ना, तो वो हम सिंटैक्टिकली जो है वो इसको कवर अप करेंगे। फिर इसके तमाम कंट्रोल्स का मैं आपको उसके कॉमन प्रॉपर्टीज़, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट मेथड्स, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेन्यूज़ क्या होते हैं, MDA फॉर्म्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा।
फिर फंक्शंस का किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल, बल्कि हम मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेके उसके साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन का सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ आपको उसके कोड की अपनी वर्किंग भी समझाई जाएगी कि वो वर्किंग किस तरह से कर रहे हैं। बुक ऑर्डर है, कार रेंटल प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉय वीकली सैलरी शीट है, फिर इस जो एंड पे आपको दो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर डेटाबेस भी यूज़ किया गया है। तो जैसे ही अगर मौका मिलेगा तो इसका एडवांस कोर्स अगर लॉन्च किया जाता है तो उसके अंदर मैं आपको डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी जो है वो भी साथ सिखाऊंगा। तो आई होप कि आप विजुअल बेसिक से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और लोकल मार्केट के अंदर इसे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाकर अपने अर्निंग का इसको ज़रिया बना सकें। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा कोर्स और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।